गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई शमा खान वेलकम बैक इन आर्म्स ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था, अपना जो चैप्टर है थर्ड, उसका नाम है राजस्थानी लघु चित्र शैलियां। इसका उद्भव और विकास किस तरीके से हुआ था उसके बारे में हमने देखा था प्रीवियस क्लासेस में। फिर उसके बाद में इसका शैलीगत वर्गीकरण हमने देखा था कि ये किन किन शैलियों में बटा हुआ था। तो मैंने आपको कल बताया था कि इसे चार शैलियों में बांटा गया था, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ोती शैली और ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली का दूसरा नाम जो है वो जयपुर शैली। इन चारों शैलियों के बारे में मैंने आपको सिर्फ नाम बताए थे कि इन्हें चार भागों में विभाजित किया गया है और वो कौन से चार भाग थे, कौन से नाम थे, वो भी मैंने आपको अभी बता दिए हैं। उसके बाद में इन चारों शैलियों के बारे में, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, हाड़ोती शैली, इन चारों शैलियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपनी जो शैली है राजस्थान की लघु चित्र शैलियों में, सबसे पहले अपनी जो शैली है वो आती है मेवाड़ शैली। कौन सी शैली? मेवाड़ शैली। तो देखो, राजस्थानी चित्रकला में मेवाड़ शैली का सर्वोपरि स्थान रहा है, यानी राजस्थान की जो चित्रकला है उसमें मेवाड़ शैली को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। मेवाड़ का इतिहास वीरता, स्वतंत्रता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा एवं धर्म के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यानी इस इतिहास में वीरता का भी वर्णन है, स्वतंत्रता भी है, इसमें समृद्धि भी है, सांस्कृतिक विरासत भी है और धर्म की रक्षा और उसके संरक्षण के लिए ये क्या माना गया है? प्रसिद्ध माना गया है। मेवाड़ शैली के विकास में महाराणा प्रताप के समय में चावंड में चित्रित निसारदीन कृत रागमाला चित्रमाला, जो कब हुआ था? 1605 ईस्वी में शायद हुआ था, का विशेष महत्व है, जिसमें क्या बताया गया है? स्थानीय लोक कला तत्वों, यानी वहां की स्थान की जो लोक कला है उसके तत्वों और रंगों का चटकीलापन उसकी स्थानीय पहचान को स्थापित करती है। यानी उस रागमाला चित्रमाला को देखकर हमें मेवाड़ की लोक कला, इसमें रंगों का चटकीलापन और उसकी स्थानीय जो पहचान है उसको स्थापित करती है क्या? रागमाला चित्रमाला। इसी क्रम में जगत सिंह, फिर उसी क्रम में चलते हुए जगत सिंह के समय का नायक नायिका भेद, ये एक चित्र का नाम है, नायक नायिका भेद का युगल चित्र शैली की उन्नत परंपरा को रेखांकित करता है। यानी नायक नायिका जो भेद, ये एक चित्र है कहाँ का? मेवाड़ शैली का। और ये चित्र जो है ये मेवाड़ शैली की जो भी परंपरा है उसको रेखांकित करता है। उसके बाद देखो, महाराणा जगत सिंह का समय मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल रहा है। क्यों? क्योंकि महाराणा जगत सिंह के समय में भी मेवाड़ शैली में बहुत सारे चित्र जो है वो चित्रित किए गए थे, इसलिए इस काल, इसे कौन सा काल कहा गया है? स्वर्ण काल। किसके? महाराणा जगत सिंह के समय का जो काल है उसको मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहा है, क्योंकि इनके समय, महाराणा जगत सिंह के समय मेवाड़ शैली में बहुत सारे चित्रण जो है वो चित्रित किए गए थे। इस समय जहांगीर कालीन मुगल शैली का प्रभाव चरम पर था और इसी समय जो जहांगीर था, जहांगीर का काल भी मैंने आपको बताया था स्वर्ण काल माना गया है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से महाराणा जगत सिंह का समय मेवाड़ में माना गया था और जहांगीर का मुगल साम्राज्य में। क्यों? क्योंकि इनके समय में भी बहुत सारे चित्रण किए गए थे, चित्र चित्रित किए गए थे। जहां तत्कालीन चित्रकारों के समक्ष कृष्ण की भाव लीलाओं के साथ साथ, यानी मेवाड़ शैली में एक चित्र बना गया था कृष्ण की भाव लीला, कृष्ण का एक चित्र बनाया गया था जिसमें उसके हाव भाव, उसकी लीलाओं का वर्णन किया गया था। साथ साथ इसमें भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूर सागर, रामायण आदि ग्रंथ चित्रण के प्रमुख विषय रहे। यानी मेवाड़ शैली में जो भी चित्र चित्रित किए गए थे, जो भी चित्रण का कार्य किया गया था, उनके विषय जो थे वो थे भागवत पुराण। इनके ये विषय लेकर ही इन्होंने चित्रण कार्य जो है वो अपना आरंभ किया था। भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूर सागर, रामायण आदि ग्रंथ चित्रण के प्रमुख विषय रहे। तो अगर पूछ लिया जाए कि मेवाड़ शैली के प्रमुख विषय क्या रहे थे, किस चीज के? चित्रण के। तो चित्रण के प्रमुख विषय जो थे, मुख्य विषय जो थे वो भागवत पुराण था, गीत गोविंद, सूर सागर, रामायण, इन विषयों को लेकर ही इन्होंने चित्रण के कार्य आरंभ किया था। आई होप कि आपको मेवाड़ शैली के बारे में जो मैंने आज की क्लास में बताया है वो समझ में आया होगा।
इसके आगे का जो कर्म है वो हम आगे की कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।